नमस्कार, मैं हूं राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सरना स्थल मोहराबादी बरियातू में सरूल पूजा को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उराव ने की। इस बैठक में केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद समेत कई आदिवासी संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरूल शोभा यात्रा ना निकालने के निर्देश को नकारते हुए आगामी 15 अप्रैल को सरूल शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को लेकर जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और आदिवासी मंत्रियों से मुलाकात करेगा। इस मौके पर शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उराव ने कहा कि सरूल आदिवासियों का महान पर्व है। इसमें आदिवासियों के संस्कृति और परंपरा का संरक्षण होता है। आदिवासियों के संस्कृति और परंपरा के संरक्षण हेतु किसी भी हाल में सरूल शोभा यात्रा निकाला जाएगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि सरहुल आदिवासियों के आस्था का पर्व है। सरकार ने आदिवासियों के आस्था पर प्रहार किया है। आज सरूल पूजा महोत्सव 2021 को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग तेतर टोली सरना स्थल बरियातू मोहराबादी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार का जो सरहुल पर्व को लेकर जो निर्देश दिया गया था कि इस बार सरहुल पूजा कोरोना को लेकर नहीं मनाया जाएगा, तो इसको नकारते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आदिवासी संगठन के लोग कि 15 अप्रैल 2021 को भव्य रूप से सरहुल शोभा यात्रा का आयोजन होगा। क्योंकि आदिवासियों में सरहुल पर्व का एक अलग ही महत्व है और इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में आदिवासी समाज मनाते हैं। इसमें ही धर्म, संस्कृति, परंपरा की रक्षा होती है और अगर ऐसे सरहुल दिवस का अगर ये आयोजन नहीं करते हैं तो आदिवासी समाज की जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी और फिर से आदिवासी का विनाश निश्चित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि शोभा यात्रा के माध्यम से सरहुल पूजा को करेंगे और इसको लेकर हम लोग 15 अप्रैल को भव्य रूप से सारे संगठन के लोग हम लोग सरहुल शोभा यात्रा किसी भी हाल में निकालेंगे और इसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही है। पूरे गांव देहात में उत्साह का माहौल है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समाज में उत्साह की कमी हो। इसके लेकर हम लोगों ने जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल और आदिवासी जो मंत्री हैं उनसे हम लोग भेंट करके सरहुल शोभा यात्रा भव्य रूप से निकालने पर हम लोग अपना विचार को रखेंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे इसमें बढ़ चढ़ कर शामिल हो और सहयोग करें। सरहुल महापर्व को लेकर बृहद बैठक आगामी 5 अप्रैल को की जाएगी। हालांकि तब तक सभी आदिवासी संगठनों की मांग है कि कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरकार सरहुल शोभा यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान करे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।